Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Introduction to Robotics Level 1st. Today we discuss the second application of robotics in chapter number 1st. And the second application of chapter number 1st is Introduction to Humanoid Robot. First application is the drone. Ab second application robotics ki kaun si hai? Humanoid Robot. अब थोड़ा बहुत ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में हम बताते चलें कि ह्यूमनॉइड रोबोट असल में होता क्या है। ह्यूमनॉइड रोबोट इज अ रोबोट दैट लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमनॉइड रोबोट बिल्कुल ही ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है, रियल इंसान की तरह तो नहीं है, लेकिन गेटअप उसका इस तरह बनाया हुआ होता है कि वो बिल्कुल इंसान ही दिखता है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट की तरफ आते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कितनी है। जिस तरह ड्रोन की एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, उसी तरह ह्यूमनॉइड रोबोट की भी कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 1 इसका क्या है कि ह्यूमनॉइड इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में ह्यूमनॉइड क्या। ह्यूमनॉइड रोबोट आर यूज्ड इन स्कूल एज अ टीचर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट इन मोर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव वे। ह्यूमनॉइड रोबोट को स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है एज अ टीचर, ताकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स बच्चों को मोर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सके और बच्चे बहुत इजीली वो पिक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, और जिस चीज़ में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसको पिक भी जल्दी करेंगे। तो एजुकेशन में इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट को ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप करता है। आप लोग को इस पिक्चर में भी क्लियर नज़र आ रहा है कि बच्चे कितना इंटरेस्टिंग वे में रोबोट की बातों को सुन रहे हैं। तो जब सुन इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सुन रहे हैं तो पिक कितनी जल्दी वो कर लेंगे। तो इसी वजह से ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। अब सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ हम आ जाते हैं, ह्यूमनॉइड इन हेल्थ केयर, के हेल्थ केयर में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। ह्यूमनॉइड रोबोट हॉस्पिटल में किस वजह से यूज़ किया जाता है, ताकि वो बीमारों की खिदमत कर सके। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट इज टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल्स एट होम। सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो ह्यूमनॉइड रोबोट की है, ये बूढ़े लोगों की घर में देखभाल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के वालिदैन बूढ़े हैं और वो उसको ऑफिस जाना होता है या किसी काम पे जाना होता है, तो रोबोट उसके पेरेंट की देखभाल करते हैं। ओल्ड पीपल के लिए ये यूज़ होता है। आप लोग को पिक्चर में भी क्लियर दिखाया गया है कि किस तरह ये ह्यूमन बीइंग की केयर कर रहे हैं। नाउ वी मूव टू थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज ह्यूमनॉइड इन एंटरटेनमेंट। के एंटरटेनमेंट में इसकी एप्लीकेशंस क्या है। यूज ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट गेटिंग इंक्रीज इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट कैन बी प्रोग्राम्ड टू बी अ गुड एंटरटेनर। इसमें जो प्रोग्राम डाला किया है वो क्या है, गुड एंटरटेनर का। डांसिंग ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट इवेंट टू एंटरटेन द ऑडियंस। और डांसिंग ह्यूमन रोबोट को मुख्तलिफ इवेंट में भी दिखाया जाता है, ताकि वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर सके बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो एंटरटेनमेंट में इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, ताकि यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जिस तरह आप लोगों को पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा है कि किस तरह ये रोबोट अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। और फोर्थ एप्लीकेशन इज़ ह्यूमनॉइड इन हॉस्पिटलिटी। ह्यूमनॉइड रोबोट आर यूज्ड इन होटल एंड रेस्टोरेंट टू वर्क एज अ वेटर। सून यू विल सी ह्यूमनॉइड रोबोट इन शॉपिंग मॉल एट रिसेप्शंस टू गाइड यू और एट द शॉप एज अ सेलमैन। ह्यूमनॉइड रोबोट होटल और रेस्टोरेंट में वेटर की तरह काम करता है। आप लोग जल्द ही शॉपिंग मॉल में भी इसको देख सकोगे और शॉप में एज अ सेलमैन भी इसको आप लोग देख सकोगे। तो ह्यूमनॉइड रोबोट की एप्लीकेशंस, फोर एप्लीकेशंस मैंने डिस्कस कर लिए। एक एप्लीकेशन इसकी थी एजुकेशन में, दूसरी एप्लीकेशन इसकी थी हेल्थ केयर में, थर्ड वन एंटरटेनमेंट में एंड फोर्थ वन हॉस्पिटैलिटी में। होप यू एंजॉय इट। एज अ वेटर आप लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि ह्यूमनॉइड रोबोट एज अ वेटर किस तरह काम कर रहा है, किस तरह वो चीज़ें लेके जा रहा है। रोबोट का असल काम
अहम ही यही है कि वो ह्यूमन बीइंग्स लाइफ को कंफर्टेबल बनाए, जिस तरह से ये बना रहे रिपोर्ट और ये जो एप्लीकेशन है उसमें भी क्लियर हमें नज़र आ रहा है।